वेलकम टू माई चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कम्प्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CPO की, चाहे बैंक PO की, चाहे CHSL के लिए, नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 11 सेशन है। अगेन मैं बता दूं, पार्ट 1 टू पार्ट 10 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। मैं अगेन बता दूं कि मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में आपको ऑल टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक, ये 17 टॉपिक्स अर्थमेटिक के पूरे अर्थमेटिक टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है, प्री प्लस मेंस लेवल दोनों के। अगर आप भी चाहते हो इस कोर्स को ज्वाइन करना तो आप देख सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्वाइन करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक मैक्सिमा मिनिमा हाइट एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक एडवांस मैथ में कंप्लीट हो चुका है। ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम ऑन गोइंग टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो ₹200 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओनली फॉर ₹200 पे करके पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, अकाउंट नंबर दिया हुआ है इसके थ्रू पे कर सकते हो। पे करने के बाद क्या करना होगा कि आपको स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। उस पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप 20 टॉपिक मैंने अभी कंप्लीट कराया हूं वो आप देखोगे, सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो। सेकेंड आपको क्या है कि आपको PDF मिलेगी बाइलिंगुअल 20 टॉपिक की आपको, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि आपकी किसी को दिक्कत ना आए। सेकेंड आपको एक और लिंक मिलेगी जिसमें जो करेंटली टॉपिक चल रहे हैं उसकी भी आप वीडियो देख सकते हो। थर्ड आपको क्या है, फोर्थ क्या है, आपको डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन फंसता है तो आप पूछ सकते हो। ऑलरेडी 150 प्लस स्टूडेंट लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो। देर नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये 41 अगर आपने पार्ट 9 वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से समझ, 9 और 10th देखे होंगे तो आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें, जो हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या करें, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स द रिमाइंडर 1, व्हेन द कोशेंट इज डिवाइडेड बाय 2 इट्स लीव्स द रिमाइंडर 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। देखो सेम सक्सेसिव का मतलब क्या है, कोशेंट को बार बार यूज किया गया, यानी भागफल को बार बार यूज किया गया। कहने का मतलब ये है कि लो जी हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर को हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। अगर अब फिर जो ये यहाँ पे जो भाग करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पे, अब कितना आ रहा है क्योंकि नंबर ही नहीं पता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर, अगर ये नंबर आप पता चल जाए, अगर इसको हम 6 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। ये SSC एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आप सिंपल आपको समझ में आ रहा है। मैंने बोला था लेट सपोज कोसेंट को क्या मान लो 1, हमेशा जब नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। अगर दिया होता 2 तो 2 लिखते, लेकिन नहीं दिया है तो 1 लेंगे। तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और रिमाइंडर कितना जुड़ जाता है 2, 1 क्या हो गया 3, 3 इंटू 3 9, और रिमाइंडर 1 जुड़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 10। यानी नंबर हमें पता चल गया क्या है 10। अब 10 डिवाइडेड बाय 6 रिमाइंडर क्या रहा है क्या होगा, तो 6 को 10 से भाग नहीं दे सकते, वो 6 का ही 6 रिमाइंडर कितना हो गया 4। ये तो मैं लिखने के लिए कर रहा था, अदरवाइज यहाँ पे रिमाइंडर 6 से भाग करो, 6 का ही 6 रिमाइंडर क्या हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो गया 4, ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डायरेक्टली आप सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। ये SSC एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी SSC एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 लिफ द रिमाइंडर इज 1, इफ द कोशेंट इज डिवाइडेड बाई 5 वी गोट द रिमाइंडर 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 65। सेम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। लेकिन अगर इस, अब जो ये कोशेंट आया यहाँ पे, अगर नंबर ही नहीं पता कोशेंट क्या होगा ये भी नहीं पता है, इस कोशेंट को फिर किससे भाग देना है, कोशेंट को डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। मैंने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया 3। अब क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड, अगर ये नंबर का पता चल जाए और उसको हम 65 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोसेंट नहीं दिया है, यहाँ पे कोसेंट के बारे में नहीं दिया ना, लास्ट कोसेंट के बारे में, तो क्या मान लो 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 1, और रिमाइंडर को हमेशा ऐड करते हैं 5 इन प्लस 3 8, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 वाठा 104 और एक ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 105।
आपको पता चल गया कि 105 है रिमाइंड नंबर है, उसको किससे भाग देना, 65, तो रिमाइंडर क्या होगा, सिंपल सा चीज़ है, 65 को 105 से भाग दे लो बस, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। 65 को क्या कर लो, 105 से भाग दे लो, तो क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखो, एक बार में जाएगा 65 यानी क्या हो जाएगा 40, रिमाइंडर क्या आ गया 40, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो गया 40। ये आपको SSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इससे इजिएस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, आप दूसरा वे पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, आप खुद देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को, इससे इजिएस्ट वे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो मैं इसी तरह से आपको कराऊंगा और इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो इस पे आपको डिजिबिलिटी पे, डिजिबिलिटी रूल्स पे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैं चार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो चार कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको याद रख लेना। जैसे देखो चार कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से मैं आपको चारों चीजें यहां पे लिखूंगा एक साथ। कॉन्सेप्ट, ये डिजिबिलिटी रूल का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद डिजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम आएगा आपका, और ये भी आज आपको रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको नाइट तक आपको पूरा का पूरा दे दूंगा, आज आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तीन केस आता है, तीन केस क्या क्या आता है ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। ए पे पावर एन, देखो यहां पे ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन हो, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन हो, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा क्या है, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन हो, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन हो, ठीक है। आपको एक तीन दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा, दो तीन फार्मूला लिखवा रहा हूं, उसको मैं यूज करने वाला हूं बहुत ज्यादा, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं हाँ, एक फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या है, ए माइनस बी। दूसरा क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, फैक्टर का क्वेश्चन आता है, इस तरह से सारे लोग पढ़े होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों केस की बात कर रहा हूँ, एन क्या हो जाए, एन हो जाए यहाँ पे ऑड, एन ऑड रहे, अगर ये ए एन, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन हो, तो ए एन ऑड रहे तो हमेशा याद रख लेना, ऑड का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा ऑड होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ये वाला याद रखना। तो ए प्लस बी क्या होगा, एक फैक्टर होगा, अगर एन ऑड हो तो ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी एक क्या है, ऐसा फैक्टर है जिससे क्या होगा, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर एन इवेन आ जाए, अगर एन इवेन आ जाए तो ऐसे चेक कर लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका तो हमने कोई फार्मूले ही नहीं पढ़े हैं जिसका एक कोई फैक्टर हो, अगर ये एन इवेन आ जाए तो हम कैन नॉट से ये नहीं कह सकते कि ये इस नंबर से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर मैं सिंपल सा कैन नॉट से ना लिख करके, अगर एन इवेन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता कि वो किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इस केस में आते हैं, अगर n क्या हो, इवेन नंबर हो, अगर n इवेन नंबर हो, पावर इवेन हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर लेना, एक पावर बना लेना, a पे पावर n, a पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है, यानी कि अगर ये n इवेन होगा, कोई भी पावर हो, n इवेन हो, तो इसके दो फैक्टर होंगे, या तो वो a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी, दोनों से हो सकता है, ठीक है। यहां से आप समझ में आया गया होगा कि a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से, ये याद रखने के लिए मैंने इस तरह से बताया हूं। अगर n ऑड रहे तो n ऑड रहेगा मतलब इस तरह से याद कर लेना, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फैक्टर क्या होता है, ए माइनस बी, यानी अगर ऑड रहे तो ये क्या होगा, ए माइनस बी एक फैक्टर होगा, यानी इससे क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा, बस आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी ये फॉर्मूले की, ठीक है। आपको मैंने आपको बता दिया कि क्या लोग रटते हैं, एन इवेन होगा तो ये होगा, ऑलरेडी अगर आपको केवल भूल भी जा रहा है तो आप सिर्फ याद रखो तो आसानी से बना लोगे क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, अब सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एग्जाम के SSC एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट
कंप्लीटली डिवाइडेड बाय इतना और इतना। तो ध्यान से देखो, 29 पे पावर 37 प्लस 17 पे पावर 37, ये किस फॉर्म में आ गया? देखो ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में है, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, क्योंकि n क्या है, n की वैल्यू 37 है यहाँ पे, और a और b ये है। तो आप ध्यान से देखो, n क्या है, n क्या है, ऑड है। n ऑड है का मतलब क्या, आपको इस फॉर्म में दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो आपका मैंने बताया था इसका एक क्या फैक्टर होता है, ए प्लस बी। तो आप बताओ a प्लस बी यानी कि a कितना है 29 और b कितना है प्लस 17, यानी इससे तो डिवाइड होगा ही होगा, 29 प्लस 17 से डिवाइड होगा ही होगा। 29 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 29 प्लस 17 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना होगा, 29 प्लस 17 9 7 16 3 1 4 46, यानी 46 तो एक फैक्टर होगा। अब 46 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, दो से भी हो सकता है, देखो 46 नंबर दो से डिवाइड हो सकता है एस, ठीक है, 23 से भी हो सकता है, 46 से भी हो सकता है, लेकिन 11 से नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो 11 से नहीं हो सकता, अगर मैं 46 46 का फैक्टर बनाऊँ तो क्या बना सकता हूँ, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 23 से भी होगा, 56 से भी होगा। लेकिन ऑप्शन देखो, दो से भी तो होगा ही होगा, डिवाइड होगा, लेकिन नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेबल, 23 से भी हो जाएगा, 46 से भी हो जाएगा। 11 एक ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड नहीं हो सकता, 46 मतलब इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो डैट इज द क्या है, 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइड बाई इतना। देखो दिया हुआ है 3 पे पावर 41 प्लस 7 पे पावर 82। अब देखो सबसे पहले क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 पे पावर 41 प्लस 7 का इस, देखो 42 क्या है, 2 का डिवाइड है, तो 7 पे पावर 2 पे पावर क्या लिख सकता हूँ, 41, क्योंकि ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 पे पावर 82 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 पे पावर 41 प्लस कितना हो गया, 49 पे पावर कितना हो गया, 41। यहाँ तक क्लियर है, 3 पे पावर 41 प्लस 49 पे पावर 41। अभी अब देखो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, और n क्या है, ऑड है। ऑड को मैं क्या बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू याद कर लो, तो इसका एक फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक फैक्टर होता है, मैंने आपको बताया था। तो a प्लस बी ये a है और ये b है, तो 3 प्लस 49 कितना हो गया, 9 3 12 4 3 9 3 12 3 1 4 1 5 52। 52 क्या है, 52 आ गया। अब 52 किससे किससे डिवाइड होगा, चेक कर लेंगे, 52 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 52 के फैक्टर मैं लिख रहा हूँ, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 13 से भी हो सकता है, 26 से भी हो सकता है, 52 से, ये ऐसे ऐसे नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है। देखो 4 से डिवाइड हो सकता है एस, लेकिन नॉट चाहिए ना, 52 से भी हो जाएगा, ठीक है, 17 से हो जाएगा नहीं, 17 26 से भी हो जाएगा, यानी 17 एक ऐसा नंबर है जिससे क्या होगा, 52 डिवाइड नहीं होगा। भाग देख के भी देख सकते हो, 4 से भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 52 से भी भाग चला जाएगा, 17 52 में भाग जाएगा नहीं, 26 से भी भाग चला जाएगा, यानी जिससे नहीं डिवाइड होगा वो कौन सा नंबर है, 17। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई, ये देखो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में वाले हिंदी पढ़ लेना। क्वेश्चन दिया हुआ है 49 पे पावर क्या है, 15 माइनस 1, ये किससे डिवाइड होगा। तो ध्यान से देखो 49 पे पावर 15, अगर ये 1 है, 1 पे पावर 15 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो ये a पे पावर n का टर्म आ गया, ये b पे पावर n है, n क्या है, ऑड है ना, ऑड है का मतलब क्या है, इस फॉर्म में आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी एक फैक्टर होगा। तो देखो एक a माइनस बी एक फैक्टर होगा, a कितना है 49, b कितना है 1, यानी 49 माइनस 1 यानी 48 क्या है, ऐसा नंबर है जिससे ये हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 48 क्या है, इसका एक ये है। तो 48 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, ठीक है, 8 4 12 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 12 से भी हो सकता है, 16 से भी हो सकता है, ठीक है, 24 से भी हो सकता है, 48 से भी हो सकता है, मतलब कैसा, देखो 50 से क्या 48 भाग जाएगा नहीं, 51 से भी नहीं भाग जाएगा, 29 से भी नहीं भाग, 8 से क्या चला जाएगा ना भाग, 8 देखो यहाँ भी आ रहा था। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि कह रहा है किससे डिवाइड हो जाएगा।
तो 45 का आंसर क्या है, ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एसएससी एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइडेड बाई, देखो दिया हुआ है क्या है, 2 पे पावर 29 पे पावर 47 प्लस 23 पे पावर 47 प्लस 17 पे पावर 47 किससे डिवाइड होगा इन सारे चार ऑप्शन में। देखो अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है, कंप्लीटली डिवाइड मतलब पूरी तरह भाग लग जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ एक साथ, देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से मैं बता रहा हूँ, अगर सपोज डैट 21 मैं लेता हूँ तो देखो 21 अगर मैं लेता हूँ तो पालाची 23 ही नहीं डिवाइड होगा, तो 21 से नहीं डिवाइड हो सकता, 22 से देखो ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता तो 22 में नहीं, 23 से चेक कर लें 23 से ये डिवाइड होगा, और ये वाला देखते हैं चेक करके डिवाइड होता है कि नहीं, 29 पे पावर 47 प्लस 17 पे पावर 47 प्लस 23 पे पावर 47 डिवाइड करना है, 23 लेके चेक कर लेते हैं। तो देखो 23 से भाग करेंगे तो ये पता चल रहा है ना, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन, ए पे पावर एन प्लस बी पे पावर एन है तो, और एन क्या है, एन क्या है ऑड है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर मना सिंपल बना लें ऑड छोटा सा ले लें तो क्या इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, यानी ये क्या इसका एक फैक्टर कितना होगा, 29 प्लस 17 एक फैक्टर होगा ए प्लस बी, यानी कितना होगा 46 क्या 23 से भाग चला जाएगा, तो ये नंबर भी भाग चला जाएगा और ये तो ऑलरेडी 23 से 23 चला जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी एक ऐसा नंबर 23 है जिससे ये पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, ये एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई इतना, नॉट डिविजिबल, 23 पे पावर 10 माइनस 1024 है, याद रखिएगा आज के बाद कभी भी कि 2 पे पावर 10 कितना होता है 1024, तो ये क्या हो गया 23 पे पावर 10 माइनस क्या है 2 पे पावर, इसको लग सकता हूँ 10। अब आपको ये पता चल रहा है कि ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन का फॉर्म बन रहा है, और एन क्या है, एन क्या है 10 है, यानी इवन नंबर है, तो आपको पता है ना कि अगर मैं स्मॉल ले लूँ a पे पावर 2 माइनस b पे पावर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या होता है दो फैक्टर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो लो जी एक फैक्टर क्या होगा इसका a प्लस बी से चला जाएगा और दूसरा फैक्टर a माइनस बी से जाएगा, तो a प्लस बी करूँगा तो a है और ये b है, 23 प्लस 2 से भी भाग जाएगा और दूसरा क्या 23 माइनस 2 से भी चला जाएगा, 23 दो क्या हो गया 25 और ये कितना हो गया 21 दो 23। अब देखो ऐसा नंबर देखो 3 ऑलरेडी है, 3 21 से चला जाएगा नॉट कह रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, 5 से 25 चला जाएगा ये भी नहीं हो सकता, देखो 4 से कोई नहीं जाए, देखो 7 से 7 21 चला जाएगा यानी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉट कह रहा है, नॉट डिवाइडेड, 4 ऐसा नंबर है जो दोनों से नहीं, 4 इसमें भाग कर लो 4 इसमें भाग कर लो दोनों से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है वीडियो, अब देखो मैं बता दूं आपको नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा क्या क्या चीज़ें, टॉपिक कंप्लीट हो गया, देखो यूनिट डिजिट कंप्लीट हो गया, सेकंड आपको नंबर ऑफ जीरो कंप्लीट हो गया, थर्ड आपको क्या कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ फैक्टर कंप्लीट हो गया, डिजिबिलिटी रूल्स कंप्लीट हो गए, और लास्ट टॉपिक बच गया रिमाइंडर थ्योरम, इस पर 5 से 6 वीडियो बनेंगे जो आज मैं आपको प्रोवाइड करके नंबर सिस्टम पूरा फाइनल कर दूंगा, यही नंबर सिस्टम में इतना ही चीज़ें पढ़नी थी। तो देखो हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, यूनिट डिजिट पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया, नंबर ऑफ जीरो पार्ट 3 और पार्ट 4 में कंप्लीट कराया, नंबर ऑफ फैक्टर 5 और 6 में कंप्लीट करा दिया, 7, 8, 9, 10, 11 पांच पार्ट में डिजिबिलिटी रूल कंप्लीट करा दिया, और 5 से 6 वीडियो और बनने वाले हैं जो 11 से लेके हो सकता है 16 या 17 तक में आपको रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा, और आज मैं नाइट में इसकी वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स जरूर करें यार, कमेंट्स करने में और लाइक करने में कंजूसी मत करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा वर्क लगता है, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो आपका भी काम है कि एटलीस्ट लाइक और कमेंट्स तो कर दो कि आपको ये तो पता चले मेरे को कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट।